हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीटिंग चैंप। फ्रेंड्स, आज ये डबल कलर का पैटर्न मैं लेकर आई हूँ। ये वाला पैटर्न आप बेबी फ्रॉक और लेडीज कार्डिगन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा इन दोनों प्रोजेक्ट में। बेबी फ्रॉक में बहुत प्यारा लगेगा, इसके अलावा ये कार्डिगन और लेडीज जैकेट में भी अच्छा लगेगा। ये जो हमारा पैटर्न है, ये 10 सिलाई पर कम्प्लीट होता है। 6 सिलाई बेस कलर की है, 4 सिलाई सेकंड कलर की है और 15 फंदों पर ये सेट होता है। इसके लिए हमें फंदे चाहिए मल्टीपल्स ऑफ 15+2, 15-15 के जोड़ में दो फंदे इसमें ऐड कर लेना, तो ये पैटर्न हमारा सेट हो जाएगा। रोंग साइड ये है हमारी, ये देखिए, ये रोंग साइड है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम बनाकर देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसमें 32 स्टिचेज लिए हैं और ये ब्लैक कलर और बेबी पिंक है। ये देखिए, ये दो कलर का कॉम्बिनेशन मैंने लिया है इसमें। तो हम इसको यहीं से बनाकर देखेंगे। मैंने दो बेसिक सिलाई इसमें डाली है। आप इसमें हल्का एक दो या चार लाइन का बॉर्डर बना सकते हैं यदि चाहें तो, नहीं तो ये स्टार्टिंग से ही अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ये कंगूरे बन जाते हैं अपने आप ही। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाकर देखते हैं। ये फर्स्ट स्टिच है, हमने इसको ऐसे ही उतारा। दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, दो का एक बनाएंगे, सीधे बुनेंगे। ये दो का एक बना लिया, फिर हम दो फंदों का एक बनाएंगे। ये दो फंदों का एक बना लिया। अब धागा अपनी तरफ करके हमें 5 फंदे जाली वाले बनाने हैं। ये एक, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो, धागा अपनी तरफ, 3, धागा अपनी तरफ, 4, फिर धागा अपनी तरफ, 5। ये 5 फंदे हो गए। अब हमें 5 बार दो दो फंदों का एक बनाना है, यानी कि 10 फंदों के में 5 बनाने हैं। ये दो फंदों का एक बनाया, एक, दो फंदों का एक बनाया, दो, फिर दो फंदों का एक बनाया, 3, फिर दो फंदों का एक बनाया, 4, फिर दो फंदों का एक बनाया, 5। ये हो गया हमारा 10 फंदों के, हमने 5 फंदे बना लिए। अगेन हमें ये ही स्टार्ट करना है, फिर ये 5 जाली बनानी है लगातार। धागा अपनी तरफ करेंगे, फंदा सीधा बनाएंगे, 5 फंदे बुनने हैं हमें ऐसे जाली वाले, एक, धागा अपनी तरफ, दो, धागा अपनी तरफ, 3, धागा अपनी तरफ, 4, धागा अपनी तरफ, ये 5। अब देखिए लास्ट में हमें 3 बार दो दो फंदों का एक बनाना है। स्टार्टिंग में हमने 2 बार दो दो फंदों का एक बनाया, लास्ट में हमें 3 बार बनाना है, एक, ये 2 और ये 3। ये एस स्टिच है, इसको हम सीधा बना लेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई है, पूरी उल्टी आएगी। ये मैं बुन लेती हूँ। ये बेसिक कलर से जब हम बनाते हैं 6 सिलाई, तो इसमें दूसरी, चौथी और छठी सिलाई उल्टी आती है रॉन्ग साइड से पूरी। ये मैं बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब यही 2 सिलाई हमें 2 बार और रिपीट करनी है इस बेसिक कलर में, तो ये 6 सिलाई हो जाएंगी। सेम यही सिलाई जो हमने पहले बनाई थी फिर हमें बनानी है। मैं आपको शुरू का पार्ट बता देती हूँ। 2 फंदों का एक बनाया था, बना लिया, अगेन 2 फंदों का एक बनाया था, ये भी मैंने बना लिया। फिर धागा अपनी तरफ करके 5 फंदों पर जाली बनाएंगे, एक, दो, 3, 4, 5। ये हो गया। अब हमें दो दो फंदों का एक एक बनाते जाना है 5 बार, तो 10 फंदों के 5 बन जाएंगे। फिर हमें ये जाली वाला पार्ट बनाना है और फिर लास्ट में हमें 6 फंदों के 3 बनाने हैं, 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक। तो ऐसे ही ये सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी आएगी और चौथी सिलाई और फिर पांचवी सिलाई सेम वैसी बनेगी। तो
तो ये 6 सिलाई मैं बना लेती हूँ, क्योंकि सेम यही 2 सिलाई आएंगी आगे भी, 2 बार और रिपीट होगी ये 2 सिलाई। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 3 जाली बना ली हैं। एक जाली जब हम बनाते हैं तो 2 सिलाई हमारी कंप्लीट होती है, क्योंकि इधर से जाली बनाते हैं, उधर से सिंपल सिलाई होती है उल्टी, फिर सीधी साइड से एक जाली बनाएंगे ये, तो फिर उधर से एक उल्टी सिलाई आएगी, और फिर हमने इधर से एक जाली बनाई, तो इस तरह से ये 5 सिलाई हुई। लेकिन ये उल्टी साइड से शुरू होता है दूसरा कलर, तो अब हम इसमें व्हाइट कलर लगाएंगे उल्टी साइड से, सॉरी पिंक कलर लगाएंगे, तो आगे फिर ये 6-6 सिलाई ही आएंगी, इसकी 6 सिलाई आएंगी, इसकी 4 सिलाई आएंगी। तो ये हमने पिंक कलर इधर से उल्टी साइड से लगाना है, हर बार हमें कलर उल्टी साइड से ही शुरू करना है, सिंपल सिलाई बुन के उल्टी। तो ये पिंक कलर से पूरी सिलाई उल्टी आएगी। ये जो हमने जाली शुरू में बनाई थी, जाली वाला एक सिलाई, तो ये 3 बार आती है इसमें, उस हिसाब से 6 सिलाई हो जाती है। ये देखिए पिंक कलर से मैंने एक सिलाई बना ली है। अब ये राइट साइड है, राइट साइड से मुझे इसकी सेकंड सिलाई बनानी है, क्योंकि हमें इसकी 4 सिलाई बनानी होती है। फर्स्ट फंदा हमने स्लिप किया, धागा अपनी तरफ करेंगे, इसके हर फंदे को हम डबल लपेटे के साथ बुनेंगे, ऐसे पर्डवाइज बुने जाएंगे सारे फंदे डबल लपेटे के साथ, 1-2, 1-2, सारे फंदे इस सिलाई के उल्टे बुने जाएंगे डबल लपेटे के साथ। और ये हमारा लास्ट स्टिच है, एस स्टिच है, इसको हम सीधा बनाएंगे। ये हमने सीधा बनाया, ये तीसरी सिलाई है पिंक कलर की। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टिच हमने स्लिप किया, अब इनको उल्टा बुनेंगे हम, डबल लपेटे वाले सारे फंदों को उल्टा बुन के खोल लेंगे। ये उल्टा बुना और इसको खोल लिया, इसको उल्टा बुना और इसे खोल लिया। अब हम सारे फंदे ऐसे ही बुनेंगे तीसरी सिलाई में, उल्टे बुनते जाएंगे, खोलते जाएंगे, उल्टे बुनते जाएंगे, खोलते जाएंगे। ये देखिए 3 सिलाई हमारी कंप्लीट हुई है, चौथी सिलाई है पिंक कलर की, ये राइट साइड से ये भी उल्टी आएगी। पिंक कलर की सारी सिलाइयां हमारी उल्टी उल्टी बुनी जाती हैं, दूसरी सिलाई में डबल लपेटा लेकर बुनते हैं, बाकी सब सिलाई हमारी उल्टी आती है। ये चौथी सिलाई है हमारी, ये उल्टी आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 10 सिलाई कंप्लीट हुई। मैंने जब ये ब्लैक कलर में डिजाइन बनाना शुरू किया तो दूसरी सिलाई से बनाना शुरू किया था, क्योंकि मैं जो इसकी इधर से जो उल्टी तरफ से सिलाई आती है वो मैं पहले से ही बना चुकी थी, तो दूसरी सिलाई से बनाना शुरू किया था मैंने। ये 10 सिलाई कम्प्लीट हो चुकी है और अब हम यहाँ पर उल्टी साइड से शुरू करेंगे दूसरा पैटर्न ब्लैक कलर से। ये हमारा एक पैटर्न कम्प्लीट हो चुका है ब्लैक कलर से, ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी आएगी, क्योंकि ये उल्टी साइड से हमारा नया कलर शुरू होता है, तो काउंट यहीं से होता है। ये मैं बना लेती हूँ अगले पैटर्न की। एक सिलाई मैं बना चुकी हूँ, अब हम दूसरी सिलाई बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ से शुरुआत करके आपको बताई थी फर्स्ट पैटर्न की, वैसे मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। फर्स्ट स्टिच हमने स्लिप किया, 2 फंदों का एक बनाएंगे, फिर 2 फंदों का एक बनाएंगे। हमें यहाँ 2 बार 2 फंदों का एक बनाना होता है स्टार्टिंग में।
अब धागा अपनी तरफ करके पांच फंदों पर जाली बनाएंगे। एक धागा अपनी तरफ, दो धागा अपनी तरफ, तीन धागा अपनी तरफ, चार फिर धागा अपनी तरफ, पांच। ये पांच जाली हम बना चुके। अब पांच बार दो दो फंदों का एक बनाना है हमें। एक दो फंदों का एक बनाएंगे, दो फिर दो फंदों का एक बनाएंगे, तीन फिर दो फंदों का एक बनाएंगे, चार फिर इन दो फंदों का एक बनाएंगे, पांच। ये हमने दस फंदों के पांच फंदे बना लिए। अब फिर हमें पांच जाली बनानी है धागा अपनी तरफ करके। एक दो तीन चार पांच, और लास्ट में हमें तीन बार दो फंदों का एक बनाना है। एक दो और ये तीन, और ये स्टिच है, इसको हम सीधा बुनेंगे। ये दो सिलाई मैंने बनाई। अब हमें दो बार और रिपीट करनी है यही दो सिलाई। इधर से पूरी सिलाई उल्टी आएगी, फिर इधर से जाली बनेगी, वैसे ही सेम ऐसी सिलाई आएगी दूसरी की सिलाई की तरह, फिर उधर से पांचवी सिलाई उल्टी आएगी, फिर इधर से छठी सिलाई ये जाली वाली आएगी। तो ऐसे करके छह सिलाई कम्प्लीट होती है हमारी। ये दो सिलाई मैं बना चुकी, अब ये चार सिलाई आगे की और बनाकर मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि सेम ही बनेगी बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं है। तो मैं बना देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये छह सिलाई मैं बना चुकी हूँ। ये जाली हमें तीन बार बनानी होती है, एक दो और ये तीन, ये बन चुकी है। तो ये छह सिलाई हमारी बेस कलर से आती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इधर से रॉन्ग साइड से हमें ये कलर शुरू करना है, फिर इसकी चार सिलाई आएंगी इधर से उल्टी, फिर राइट साइड से डबल लपेटा लेकर हर फंदा बुना जाएगा उल्टा, फिर इधर से सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे और वो खोले जाएंगे। सारे फंदे खोलते हुए उल्टे बुनेंगे और फिर चौथी सिलाई इधर से उल्टी आएगी, तो ये चारों सिलाई हमारी उल्टी आती है। तो ऐसे करके हमारा ये दस सिलाई पर ये पैटर्न हमारा कम्प्लीट होता है। ये देखिए दोनों कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छे लग रहे हैं, और ये वाला देखिए आप रेड एंड व्हाइट बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसमें चमक रही है ये वाला पैटर्न, ये देखिए। तो आपको ये पैटर्न कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताएं, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलती हूँ जल्दी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।